कल मैंने रियलाइज किया कि प्रेग्नेंट मुक्ति है, मैं नहीं हूँ। प्रैक्टिकल फाइल्स मैं बनाया करती थी। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ अपनी एक राज की बात। और हमारे वॉशरूम से निकला है सांप, और अब जी जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। हेलो जी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप यू डूइंग बेमिसाल। आज ना फाइनली जाके सुबह जल्दी मैं उठ चुका हूँ, सुपर अर्ली नहीं उठाऊ बट जल्दी उठ चुका हूँ। और आज के दिन की शुरुआत नहा धोके गुरुद्वारे जाने के साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अब से मैं सोच रहा हूँ लाइफ में ना एक रूटीन होना चाहिए, रोज सुबह जल्दी उठ के पहले गुरुद्वारे जाया करेंगे फिर बाकी काम किया करेंगे। तो जी आज सुबह सुबह हो चुकी है गुड मॉर्निंग, और अभी घर चलते हैं। एंड आज मुक्ति की ना मुझसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर गुरुद्वारे जाओगे तो प्रसाद प्लीज ले आना, जो कि मैंने ले लिया हुआ है। और अभी मुक्ति के साथ ना रिसेंटली ये महीने डेढ़ महीने से मैं बहुत ज्यादा लेट उठ रहा था, जितना मुक्ति सो रही थी उतना ही मैं सो रहा था, बल्कि मेरे ख्याल से आधा घंटा उससे ज्यादा ही सो रहा था, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज थी। और कल मैंने रियलाइज किया कि प्रेग्नेंट मुक्ति है, मैं नहीं हूँ, मैं उसकी वजह से इतना आलसी नहीं हो सकता हूँ, ये चेंज अब से रोज लेके आना अपने आप में, जल्दी उठने वाला। और अब राजी हम एक घंटा स्पेंड करेंगे नवाब के साथ। भाई साहब देखो कैसे खुश हो गए कंघी करवा रहा। नवाब के साथ खेलते खेलते ना पूरी टी शर्ट बालो बाल हो गई हुई थी, तो टी शर्ट बदल दी हुई है। और आज मैं जल्दी उठाऊ ना इस वजह से मुक्ति भी उठ चुकी है जल्दी और बना रही है ब्रेकफास्ट। अच्छा मुक्ति जल्दी उठी है ना, एक काम आज जो करना है हमको डेंटिस्ट के पास जाना है। पर आई एम प्राउड ऑफ यू, यू वोक अप अर्ली। मेरे को बोल। और अपना जी करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में बने आलू के परौंठे, जो कि बहुत ज्यादा टेंटिंग लग रहे हैं। अगर आपको आलू के परौंठे पसंद है तो ये देखिए, और अपने मुंह में पानी लेके आइए, दही के साथ देसी घी ऊपर लगाया हुआ। एंड गल बात, तो गाइस फाइनली नहा धो के खा पी के ओंकार और मैं निकल चुके हैं मेरे खूबसूरत से दांतों को और खूबसूरत बनाने के लिए। देखते डेंटिस्ट कितना कामयाब है, अगर उसने पता लगा लिया कि तू आलू के परोठे खा के आई है, मतलब कि वो कामयाब है। बाद में डेंटिस्ट के जाने से पहले ब्रश करके आते हैं पहली बात। और दूसरी बात गाइस, मैंने आज पहना है नया कुर्ता पजामा, बेसिकली कॉर्ड सेट है, जो कि हमने कहां से, खान मार्केट नहीं, ये लिया था हमने जीके से, जीके से लिया था। जीके का नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुक्ति का जीके कम है। खुद की तो जैसे बड़ी हाई जनरल नॉलेज है। इस प्रैक्टिकल फाइल्स मैं बनाया करती थी, उसमें जनरल नॉलेज नहीं यूज होता। उसके बाद इसने बहुत पहले से किया, मैं इसकी प्रैक्टिकल फाइल बनाती थी और इसके बाद वो घुमा देता था, उसके बाद फिर से इसकी प्रैक्टिकल फाइल बनाती थी। मुझे कोई फीस नहीं मिली है, तुझे मैं मिला हूँ फीस क्या चाहिए तुझे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ अपनी एक राज की बात, अगर मेरी कोई टीचर ये व्लॉग देख रही है तो उनको पता लग जाएगा कि आज तक मैंने कभी भी जिंदगी में प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है, हमेशा किसी ना किसी से बनाई है, बनवाई है। हाँ मेरे कई, अब तेरे से पहले पैसे देके भी बनवाता था मैं फाइल, तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी ना कि खुद को दिशावर कर दो और प्रैक्टिकल फाइलें बनवा लो। वेरी बैड। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि ओंकार ना बड़ी ऐसे भोली से शक्ल बना के बड़ा कन्विंसिंग तरीके से प्लीज बना दे, प्लीज बना दे, प्लीज बना दे, और मुझे आ जाता था तरस। मैं इसी रीजन की वजह से, प्यार प्यार आ जाता, नहीं प्यार कोई प्यार भी नहीं आता था, मुझे तरस आ जाता था, फिर मैं बना देती थी। बट गाइस मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि आज कल मतलब ये सीन है कि आज भी कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से भी प्रैक्टिकल फाइल बनवाते हैं। तो ये जानना है कि आजकल स्कूलों में प्रैक्टिकल फाइलें बनती भी है या नहीं बनती है। बनती होंगी प्रैक्टिकल फाइलें, बताना जरूर यार। एजुकेशन होगी कि आपका ना बनती है, होती होंगी गाइस। हाँ। कमेंट करके बताना आजकल के सिस्टम से हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। हाँ। मेरे को ना ऐसा लगना शुरू हो चुका होगा कि मुक्ति की किस्मत में दांतों का काम करवाना लिखा ही नहीं है, क्योंकि अभी आए थे हम डेंटिस्ट के पास और रश इतना ज्यादा है कि 2 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। तो व्हाट टू डू, हंसी आ रही है मुझे, गंदे दांतों से हंस रही है। जितनी कोशिश तुम कर रहे हो मेरे दांत ठीक कराने की, उतनी कोशिश डेंटिस्ट कर रहे तेरे दांत ठीक ना हो। नहीं नहीं हो जाएगा, अभी एफर्ट हम कितना ही कर रहे हैं, मैं ही नहीं आती हूँ ज्यादातर, तो वेटिंग करने को हम वेटिंग कर लेते, बट इनके वेटिंग एरिया में खड़े होने की जगह नहीं थी, बैठने की तो भूल ही जाओ। तो अभी हम सोच रहे हैं मुक्ति का बैंक का काम भी करवाना है तो वो करवा लेते हैं। पर मुक्ति आज डेंटिस्ट वाला काम तो तेरा मैं करवा के ही रहूंगा, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी, आज तो भाई मुक्ति के दांत रहेंगे या तो नहीं रहेंगे। हाँ तो ऐसी डील करते दी है मैंने। तो जैसे कि मुक्ति को मैंने बोला कि आज उसके दांतों का काम करवाना ही करवाना है, आ चुके हैं अभी हम दूसरे डॉक्टर के पास, जहाँ पे वेटिंग नहीं है बट फिर भी मुक्ति बाहर बैठी हुई है, बाहर की बैठी है, थोड़ी सी वेटिंग है।
इसकी किस्मत में ना मुझे लगता है दांत ठीक करने लिखे ही दिए, क्योंकि अभी भी डॉक्टर मैडम है नहीं। शाम को सुबह जल्दी उठने के ना फायदे बहुत ज्यादा हैं। हमारे 2-3 काम थे करने वाले जो कि ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं। अभी हम आए हैं मुक्ति के मम्मा पापा के घर, मतलब आदित्य के घर, और यहाँ पे टेडी जनाब भूख डाल रहे हैं। ये ले स्कूबी खा ले, ये ले ये ले ये ले, मतलब ये स्कूबी के लिए तो इसको आधा घंटा 2 पैरों पे खड़ा के रखो, बेचक कर्तव्य करने लग जाता है पूरा। ये ले। और इधर ओंकार के साथ हो रही है जबरदस्ती बांजी। देखो स्वाद चीज बहुत है, पर ब्रेकफास्ट में जो आलू के पराठे खाए वो हजम नहीं हुए, पर यहाँ पे मेरे को बांजी भी खानी पड़ेगी। और डिप्रेशन मेरे ख्याल से इससे हाजमा जो है वो बेटर हो जाएगा, आलू के पराठे नीचे चल जाएंगे, आलू के पराठे नीचे चल जाएंगे। क्या टेस्टी आम की सब्जी बनाई है, डिलीशियस। काम धंधे करके आ चुके हैं हम घर, क्योंकि मुक्ति ने खाना था खाना, और उसके बाद फिर से है हमें जाना, क्योंकि और भी काम है करने वाले। एंड मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये हमारे जो एक्वेरियम है ये खाली पड़े हैं, बिकॉज इस एक्वेरियम में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी मछलियां लेके आया था मैं, जो कि एक ही दिन में गो एंड गॉन होगी। दिल तो बहुत ज्यादा उदास हुआ था और वो चीज दिखाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लॉग में। और ये वाले एक्वेरियम में मछियां काफी देर चली, पर वो भी हो चुकी हैं विद टाइम गो एंड गॉन। सच्ची बोलूं जब वो मछियां मरती है ना दिल होता है थोड़ा सा उदास, क्योंकि आपने कोई चीज पाली हुई है और वो अगर चले जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि इसको फिर से मछियों से भरे या ना भरे, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और खाना खाते हैं आप, मैंने नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है, सिर्फ मुक्ति खाना खाएगी। तुमने नहीं खाना? पेट भरा सा हुआ है। ये खाओगे? मेलन? मेलन खा लूंगा। मैंगो खाओगे? मैंगो खा लूंगा। आलू खाओगे? मैं सब खा लूंगा। अभी ना सीन कुछ इस प्रकार है कि हमने जाना था एक आर्किटेक्ट से मिलने, क्योंकि आज हमने फाइनल कर लेना था रेनोवेशन का। अभी मुक्ति जाने से पहले ना वॉशरूम जाने लगी और हमारे वॉशरूम से निकला है सांप। अब ज्यादा लोग इमेजिन कर रहे होंगे बहुत ही ज्यादा एनाकोंडा के साइज का सांप, ऐसा नहीं है, सांप बहुत ही छोटा है, बट फिर भी सांप सांप होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है पिद्दू सा, ये सांप है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, मेरे ख्याल से यह नाली से आया है। और जी मीटिंग भी आर्किटेक्ट उन्हों के साथ हो चुकी है हमारी डन, बहुत ज्यादा डिस्कशने हुई है, बहुत ही ज्यादा इनपुट्स आर्किटेक्ट उन्होंने हमें दिए हैं, मुक्ति उन्होंने आर्किटेक्ट को दिए हैं, और बहुत ही सैंपल्स भी दिखाए हैं। एंड फाइनली जाके कुछ हो पा रही है कि कुछ एंड काल बात सा क्रिएट होएगा। मेन चीज ये है कि टाइम सर हो जाए। कितना टाइम लगेगा भैया? अराउंड 2 महीने लगेंगे। 2 महीने के अंदर तो पूरा हो जाएगा होपफुली, नहीं तो फिर हमारा दुद्दा बुद्दा रह ही आ जाएगा। और अब जी जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, मुक्ति को डेंटिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। वाह जबरदस्ती जबरदस्ती, आज दांत रहेंगे या नहीं रहेंगे? ओ शिट यार ओंकार, अभी मैं थोड़ी देर पहले घर गई थी ना वॉशरूम करने, मैं आम खा के आई और दांत ने आम का फाइबर लगवाया। तो ठीक है डेंटिस्ट को बोलिए निकाल दो, दांत क्लीन करके जानी चाहिए डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट का काम है ये, कर देगा। अच्छा नहीं लगता यार। फाइनली जाके मुक्ति के दांतों का काम शुरू हो रहा है और मैडम से पूछ रही है कि अभी करना है? इसको लग रहा है सच्ची में मुहूर्त निकलवा के ही करना चाहिए। मैम आपके हवाले है पूरा पेशेंट, जो मर्जी करो चक दो फटे। मेरी बीवी के दांत जो है ना वो हो चुके हैं प्यारे प्यारे दांत। अगर अब ये गन्ना चूपना बंद कर दे तो ये दांत ऐसे ही रहेंगे, अगर चूपेगी तो फिर से वैसे ही हो जाएंगे, डॉक्टर के गेड़े बजते रहेंगे। गन्ना चूपना है तो ठीक दांतों के साथ खाए, क्योंकि मेरे जो दांत है वो ऑलरेडी रूट कैनाल वाले हैं, मेरे बहुत ही कमजोर दांत है। दिखाना पर एक बार ई करियो, नाउ यू आर लुकिंग गुड। वो कह रहे ग्रे तो रहेंगे बिकॉज मेरे टीथ जो है वो असली तो है नहीं है, पर अच्छे लगे, अब अच्छे लगे सच्ची में। Now, मेरी स्माइल जो बहुत अच्छी हो गई है। अब खुल के हंसेगी मुक्ति। जब मैं अपने दांत करवा रही थी ना उस टाइम पे ओंकार थोड़ी देर के लिए हुआ गायब, और जैसे मैं अभी गाड़ी में बैठी मुझे आ रही है बहुत ही बढ़िया खुशबू, जैसे कुछ खाया हो तुमने गाड़ी में बैठ के। यार तू मुक्ति मेरे पे इतना शक करती है ना, खुशबू आ रही है गाड़ी में बैठ के, कुछ लिया है क्या? यूजली लड़कियां ना एक स्मार्ट हस्बैंड पे ये शक करती है कि वो बाहर किसी के साथ अफेयर है, किसी को मिल के आया, कहीं मुंह मार के आया। मेरी बीवी मेरे पे शक करती है ये बाहर खाने की चीज पे मुंह मार के है। तो छुपा क्यों रहे हो? कुछ खाया? नहीं खाया। पक्का खाया? मोमोज खाया। नहीं मैं गैस खुशबू सूंघ के जाती हूँ, ये मोमोज भी नहीं है, ये स्प्रिंग रोल्स की खुशबू। नहीं स्प्रिंग रोल तो मैं तेरी कसम खा के खाता हूँ, मैंने भी खाए मोमोज खाए। मेरे लिए भी करा लेते, मैं भी खा लेती। तेरे दे दांत है ना तो व्हाइट कलर के मोमोज, व्हाइट कलर के दांत।
उस पे चटनी चढ़ जाती है, उसमें तो रंग भी डाला होता है। आज का जो दिन है ना वो फिलहाल जा रहा है बहुत ही ज्यादा गुड, और इसको मैं बनाने वाला हूँ वेरी गुड। आज सुबह जल्दी उठ के बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है दिन, इसको और प्रोडक्टिव बनाएंगे अभी सैर पे जाके। मारने को मैं आलस मार सकता हूँ, घर पे आराम कर सकता हूँ, क्योंकि आज मुक्ति जिम नहीं जा रही है। क्यों नहीं जिम जा रही तू? मैं रेस्ट कर लेती हूँ, सारे बॉडी पार्ट्स हो गए थे, आज थोड़ा रेस्ट करती हूँ। गुड, तुम जाओ। पर मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पापा के साथ लेक जाने लगा हूँ सैर करने। मुक्ति कभी ऐसी चीजों में भी फोमो फील कर लेगा, चल ले लेक, पर गर्मी बहुत है बेचारी वहाँ पे। गर्मी की बात नहीं है, मेरा एग्जॉस्ट हो गई। चल आज मुक्ति भी जल्दी उठी थी बेचारी। काम वाम थोड़ा कर लेती हूँ, कुछ और जो है छोटा मोटा। नए दांत जो है ना तो इनको भी गुड बाय करवा देंगे। ये साइड वाला दांत यूज किया मैंने, फ्रंट यूज ही नहीं किया। अच्छा, पहली दद्दी कैसे मारी थी? बीच को इसको आज ना मुद्दतों बाद आए हम लेक पे सैर करने। भगवान करे बस हवा चलती रहे, नहीं तो गर्मी में हो जाएगा बहुत ही बुरा हाल। और इवन दो पापा आ चुके हैं मेरे साथ सैर करने, पर इनका ध्यान जो है ना आज आईपीएल के मैच में है, क्योंकि आज चल रहा है पापा कौन सा मैच? आज चल रहा है एसआरएच और सेमीफाइनल मैच, वन ऑफ द लास्ट फोर। जिस चीज का डर था ना वही हुआ, हवा जरा जितनी नहीं चल रही है, टी शर्ट पसीने से भीग चुकी हुई है। पर अब आए हैं सैर पूरी करेंगे, और हैरानी की बात ये है लेक पे रश पूरा है। और जी ये हमारे पिताजी नेक्स्ट ही लेवल है, फुल स्लीव की टी शर्ट पहन के गर्मियों में सैर कर रहे हो। पापा गर्मी नहीं लगी? गर्मी नहीं लगी, मच्छरों से बचते हैं। अच्छा, वैसे एक बात तो है, मच्छर बहुत ही ज्यादा थे। एंड वैसे देखा जाए ना वॉकिंग जब हम स्टार्ट करते तभी गर्मी जो है ज्यादा फील होती है, पर एक बारी करने लग जाते हैं फिर इतना फील नहीं होता। मुझे भी स्टार्टिंग में ही फील हो रहा था। और अब चलते हैं घर। और जी ये देखो जरा, ये देखो जरा, फूडी इंसान है कैसे होते हैं। यहाँ पे अब चिकन खाने आ चुके हुए हैं पापा, आपकी वजह से मैं बदनाम होता हूँ। बदनामी की क्या बात है, खाते पीते घर के है। खाओ पियो ऐश करो। और अब घर आते ही हमने लगा दिया हुआ टीवी पे आईपीएल का मैच, क्योंकि पिताजी को बेचैनी इतनी ज्यादा हो रही थी ना, मैच को इतना ज्यादा मिस कर रहे थे। और व्लॉग बनाते ही चौका पड़ चुका हुआ है। एंड आप एक बारी कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इस बारी क्या आरसीबी जीतेगा या नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल में आरसीबी भी है। क्या पता हो सकता है इस बारी हिस्ट्री बन जाए। कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक गाइस। खाना खुना खाने के बाद मैंने अपने फेस पे फेस ऑल लगा लिया हुआ, हेयर ऑयल भी लगा लिया हुआ। एंड गाइस मुझे अभी जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि कल है मेरा टेस्ट और जिसके लिए मुझे फास्टिंग करनी है। उस हिसाब से वैसे मैंने बहुत लेट खाना खाया है, तो आई शुड स्लीप, क्योंकि अगर मैं उठूंगी तो मुझे भूख आएगी। लोगों को लगेगा तेरा कौन सा एग्जाम आ गया। अरे यार ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कोई पेपर वाला टेस्ट नहीं है। सो गाइस फटाफट सो जाती है, इससे पहले मुझे भूख लगे। अब हम आपको मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।